फिरोजाबाद में यूपी सरकार द्वारा रजिस्ट्री ऑनलाइन किए जाने का विरोध वकील यूनियन और स्टैम्प विक्रेता कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे पहले तो उनकी आमदनी पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है और साथ ही जो लोग ऑनलाइन आवेदन भरेंगे उनको आना तो आखिरकार रजिस्ट्री ऑफिस में ही है, तो फिर रजिस्ट्री ऑफिस को ऑनलाइन करने के बजाय सिर्फ रजिस्ट्री की प्रक्रिया ऑनलाइन करने का क्या फायदा है। उनका कहना है कि इससे उनके काम पर काफी बड़ा असर पड़ रहा है, इसलिए उनकी मांग है कि सरकार अपने इस फैसले को बदले और उनकी मांगों को पूरा करे। फिरोजाबाद से सराज सिंह एवं सहयोगी हैदर अली, एसकेएच न्यूज। यूपी में अधिवक्तागण, डीराइटर संघ के लोग और स्टाम्प वेंडर और इनसे जुड़े हुए करीब 85 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और अगर इनमें इनका क्या बिगड़ रहा है हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारी डीट हो रही है तो अधिवक्तागण या वो क्या नाम है बैनामा लेखक का मसौदा डाल दिया या तो कौन सी बुराई है। हमारी और कोई डिमांड नहीं है, आप खूब ऑनलाइन के लिए आदेश करें, कोई बात नहीं, मगर हमारे जैसे मसौदे डलते चले आए हैं, नाम डलते चले आए हैं किस वकील से। भाई कोई भी व्यक्ति अपनी रजिस्ट्री कराने के लिए जब रजिस्ट्री ऑफिस के लिए आता है तो उसमें मसौदा अधिवक्तागण या बैनामा लेखक लोगों के द्वारा कराया जाता है। तो मेरा मुख्य संघर्ष जो हो रहा है ऑनलाइन से कोई मतलब नहीं है हमें। हमारा जो मेन मकसद ये है कि डीट पे जो रजिस्ट्री होगी उसमें हम लोगों का नाम बाकायदे जैसे पहले चलते चले आए डलते चले आए बगैर वकील के बगैर बैनामा लेखक के रजिस्ट्री नहीं होना चाहिए। मैं ये केवल यही चाहता हूँ कि जैसे पीछे रजिस्ट्रियाँ होती चली आई हैं वैसे ही रजिस्ट्री होती रहे और उसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर रजिस्ट्री हम ऑनलाइन कराते हैं तो फिर भी पब्लिक जो रजिस्ट्री कराएगी उसके लिए ऑनलाइन के बाद में फिर भी रजिस्ट्री ऑफिस में जाना पड़ेगा, तो रजिस्ट्री ऑफिस को क्यों नहीं ऑनलाइन करे देते हैं। बाकी कंप्यूटर छोड़ दें, सारी पब्लिक आपके वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस के लिए पहुँच ले आई, ऑनलाइन अपना ऑफिस में करा ले, कोई अतराज नहीं। प्रश्न कब तक चलता रहेगा ये? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जब तक ये संघर्ष चलता है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे आप? तो आगे चल के हम लोग अपने यहाँ से जो कुछ लेंगे आगे क्या करना है क्या नहीं करना हो सकता है। कुछ लोगों के इरादे ये बन रहे हैं कि हम आमरण अनशन करेंगे, कुछ लोग ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा काम ही चला गया, हमारे बच्चे भूखे मर उठे तो हमें क्या करना है, हम तो आत्महत्या कर लेंगे। जिंदाबाद। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम शुभ नाम है एमएम शाहनवाज डी राइट। भाषण जैन एडवोकेट। धरना प्रश्न परिषद क्यों किया गया है? परिषद में ये किया जा रहा है कि ऑनलाइन उन्होंने जो प्रोसीडिंग की है ऑनलाइन प्रोसीडिंग में जनता की जो परेशानी आई उसको कोई इन्होंने ध्यान नहीं दिया गया। लाइन बनाने की ऑनलाइन के लिए इन्होंने कोई सरसाइड लाइन नहीं दी, अब तक इनके पास कोई खतौनी उसके लिए भी लाइन है नहीं। लिहाजा अगर हो जाएगा तो 8-8-10 दिन में एक एक बैनामा होने हो पाएगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि डीड हमारी बहुत सी चीज़ ऐसी है, बशियत है, मुख्तारनामा है, जो नंबर 2 के काम होते हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहते हैं, फाइल हमारी कभी दिखाई नहीं जाती। जब तक व्यक्ति की डेथ नहीं हो जाती वही आदमी उसकी नकल ले सकता है, जबकि इसमें कल ही ओपन होने के बाद ये आ जाएगा कल उसने वसीयत कर दी। लिहाजा वहाँ झगड़े बढ़ेंगे, आपस में द्वेष भाव पड़ेंगे और मर्डर और केस बढ़ेंगे। ये धरना कब से चल रहा है सर? धरना करीब 16-17 दिन हो गए और 26 तारीख से लगातार चल रहा है। कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारी मांगे, विशेष तरह हम जनता के लिए हित के लिए लड़ रहे हैं, अपने स्वार्थ से कम हमें जनता के ज़्यादा देखना है, क्योंकि जनता अगर मर्डर होते रहेंगे रकम लेके भाग जाएंगे, 8 दिन में होगा पेमेंट उनका पहले हो जाएगा, 8 दिन बाद वो बैनामा नहीं हो पाएगा। तो लिहाजा कल सौदा टूटेगी, बेईमानियाँ होंगी, लोग अराजकता फैलेगी, मर्डर होंगे, सीधी सी होगी। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे आप? हम जब तक मांगे पूरी नहीं होती हम देर भरो आंदोलन रहेंगे, आत्महत्या करेंगे, आवरण मानसन करेंगे, जैसा भी होगा, नहीं होगा तो आज तक स्टाफ केंद्र तक सरकार जाएंगे, कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी हमारे लिए कोई ऐसी आवर नहीं है जो वहाँ तक न जा सके।